हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ऐश्वर्या मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडिएशन टेक्नोलॉजी। तो जो आज का हमारा वीडियो है वो है मॉडर्न रिसेंट एडवांस इमेजिंग के प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस पर। इस वीडियो में आपको प्रीवियस एग्जाम्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि जिनका आंसर हमें अच्छे से नहीं मिल पाता है, इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है, या फिर हमें पता होता है कि वो क्या पूछा हुआ है बट हम उसका आंसर्स नहीं लिख पाते एग्जाम में, उस पर बेस्ड है। इसके अंदर आपको उन क्वेश्चंस के साथ साथ उनका आंसर्स भी देखने को मिलेगा। ये बैचलर ऑफ रेडिएशन टेक्नोलॉजी ने BRT कोर्स के पेपर्स का मैंने बनाया है। मैंने इसमें ईयर 2013 से 2019 तक के पेपर्स को इंक्लूड किया है। इसमें से वही क्वेश्चन लिखे हैं, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि इसमें से कुछ वही क्वेश्चंस लिखे हैं जिनका आंसर्स हमें इजीली अवेलेबल नहीं होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पेपर, आज का वीडियो। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट छोट नोट्स ऑन हॉर्न्सफील्ड यूनिट। ये 2013 के मेन पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हॉर्न्सफील्ड यूनिट के बारे में हमें पता है कि HU क्या होती है, कि ये CT नंबर होता है, CT स्कैन के लिए यूनिट होती है। बट इसमें लिखना क्या होता है उस पर हम देखें तो हॉर्न्सफील्ड यूनिट का सबसे पहले हमें ये बताना है कि इसका नाम सर गॉडफ्रे हॉर्न्सफील्ड पर पड़ा था जिन्होंने CT स्कैन को डिस्कवर किया था। इसके अलावा HU जो होती है एक रिलेटिव क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है रेडियो डेंसिटी का, जिससे जो यूज़ किया जाता है रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किसके लिए, CT इमेजेस के लिए, ठीक है। इन्हें CT यूनिट भी कहा जाता है HU को, और ये कैलकुलेट की जाती है लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सरे बीम, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसको CT नंबर को और अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, मेरे पहले प्रीवियस एक वीडियो था CT स्कैन का, फर्स्ट वीडियो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ CT स्कैन, उसके अंदर। तो अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप वहाँ जाकर के इसको देख सकते हैं। मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में वापस से मेंशन कर दूंगी। इसके बाद में हम देखें तो HU का फॉर्मूला ये होता है, आप ये फॉर्मूला लिख के आएंगे, इंपॉर्टेंट है। HU इक्वल टू म्यू मटेरियल माइनस म्यू वाटर अपॉन म्यू वाटर। म्यू जो है यहाँ पे लीनियर एटेन्यूएशन कोएफिशिएंट है, यानी कि कितना कोई भी मटेरियल कितनी एक्सरे बीम को रोक सकता है उसका हमने एक मात्रक, एक स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया है, कोएफिशिएंट बना दिया है, वो हमने म्यू से डिनोट किया है। तो जो भी कोई भी टिश्यू होगा उसकी जो फिजिकल डेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एक्सरे बीम के एटेन्यूएशन के, कि कितनी उसने एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब की है उसकी प्रोपोर्शनल होती है उसकी डेंसिटी, ठीक है। जितना ज़्यादा डेंस टिश्यू उसने उतनी ज़्यादा एक्सरे बीम को एब्जॉर्ब किया है, तो उसकी जो HU है हॉर्न्सफील्ड यूनिट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वो ब्राइट दिखेगा। और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा कि लेंस डेंस टिश्यू है तो नेगेटिव वैल्यू होगी और वो डार्क दिखेगा। तो ये होती है हॉर्न्सफील्ड यूनिट, ठीक है। ये इसमें आप इतना लिखोगे 5 नंबर में, ये इनफ होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन रेडियोलॉजी, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है, 2013 के मेन पेपर में, 2019 के मेन पेपर में और 2017 के रिमांडेड के पेपर में पूछा हुआ है। तो ये हमें पता है कि कंप्यूटर्स का रेडियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि उसके बिना, कंप्यूटर के बिना रेडियोलॉजी आज पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी जगह जैसे डिजिटल इमेजिंग यूज़, अब डिजिटल इमेज ही यूज़ हो रही है, कन्वेंशनल का एक तरीके से टाइम जा चुका है। तो डिजिटल में आपको एक्वायर करने के लिए इमेज को लेने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उसका, बाद में पोस्ट प्रोसेस करने के लिए भी उसको कंप्यूटर की नीड होती है। तो हमें पता है कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, बट ये एक मैंने आपको एक लैंग्वेज दे दी है इसके लिए। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर आप नोट बना करके भी इसको लिख सकते हैं कि कहाँ कहाँ कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। कंप्यूटर एक इंटीग्रल पार्ट होता है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का। फंडामेंटली इसको यूज़ किया जाता है अलग अलग मॉडलिटीज़ में, जैसे कि CT स्कैन, MRI, CR, DR वगैरह में, किस किस चीज़ के लिए, एक्वायर किसी भी इमेज को लेने के लिए, उसका प्रोसेसिंग के लिए और पोस्ट प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। डिजिटल इमेजिंग जो है रेडियोलॉजी प्रैक्टिस का इंटीग्रल पार्ट है, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट है कि जैसे कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, USG, CR, DR, CT, MRI बहुत सारी जगह में। इसके अलावा डाइकॉम भी एक टाइप का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, जिसमें क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कंपैटिबिलिटी देख सकते हैं इमेजिंग सिस्टम की, ठीक है। इसके अलावा वर्क स्टेशन में हम देखते हैं व्यूइंग बॉक्स, रेडियोलॉजिस्ट के लिए वो एक इंपॉर्टेंट कोर पार्ट होता है उनके वर्क का, क्योंकि वो एक्सरेज जो होंगे उस व्यूइंग बॉक्स में देखेंगे, तो वो भी कंप्यूटर का एक पार्ट है। इसके अलावा टेली रेडियोलॉजी आज के ज़माने में संभव है, पॉसिबल है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर्स की वजह से। टेली रेडियोलॉजी का मतलब क्या है कि एक हॉस्पिटल के कंप्यूटर से दूसरे हॉस्पिटल के कंप्यूटर में आप उस इमेज को देख पा रहे हैं, और ये जो पॉसिबल है वो होता है पैक्स के कारण, पैक्स वर्क स्टेशन के कारण, ठीक है। तो ये भी एक कंप्यूटर सिस्टम है, तो जिसके कारण ये पॉसिबल हो पा रहा है। तो टेली रेडियोलॉजी भी कंप्यूटर के कारण ही पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप इसको एग्जाम में लिख सकते हो कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंपेयर कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, कंप्यूटर रेडियोग्राफी एंड डिजिटल रेडियोग्राफी विद द हेल्प ऑफ टेबल। तो ये 2014 में आया हुआ है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब हमें देख सकते हैं कि हमें इनको इंडिविजुअल अगर पूछा जाए, कन्वेंशनल, कंप्यूटर, डिजिटल, तो हमें सबको
पता है, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो CRDR पे मैंने हमीरा वीडियो बनाया हुआ है, उसकी मैं आपको लिंक जो है मेरी डिस्क्रिप्शन में वापस मेंशन कर दूंगी। लेकिन अगर आपको इंडिविजुअली पढ़ना है तो आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि मैम हमें पता है इंडिविजुअली क्या होता है बट कंपैरिजन हम नहीं कर पा रहे हैं टेबल के थ्रू, तो आप प्लीज़ वो बता दीजिए। तो मैंने एक टेबल बना दी है, तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हो। इसमें मैंने सबकी चीज़ों का बना दिया है कि CRDR कन्वेंशनल में सब चीज़ें कैसे हो सकती है, ठीक है। कि कोई भी एक्सपोजर है तो CR में रिटेक्स कम लेंगे, DR में कम लेंगे, कन्वेंशनल में रिटेक्स की नीड ज़्यादा होगी। CR में आप जूम करके देख सकते हो, DR में भी देख सकते हो, बट कन्वेंशनल में जूम कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। CR में कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हो, DR में कर सकते हो, बट इसके अंदर कन्वेंशनल में कोई एडजस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि इमेज क्वालिटी पुअर मिलती है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें महंगी इसके अंदर हैं। इसके अलावा स्पेस इसमें डार्क रूम नीडेड नहीं होते दोनों में, और कन्वेंशनल में डार्क रूम नीडेड होता है। और इसमें इमीडिएटली आप CR में और DR में इमीडिएटली इमेज को देख सकते हो, कन्वेंशनल में पहले फिल्म को प्रोसेस करना होगा और ट्रांसफ़र भी जो होगा स्टाफ के द्वारा होगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें ये होती है इसमें। जैसे सिक्योरिटी ऑफ सिस्टम है तो कंप्यूटर वायरस वगैरह ससेप्टेबल होने चाहिए, और कन्वेंशनल में कंप्यूटर वायरस होता ही नहीं क्योंकि फिर कंप्यूटर ही नहीं होता है। तो इस टाइप से मैंने ये पूरी टेबल बना दी है। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो टेबल्स का, और आप इसको अच्छे से अपने लिख सकते हो, और इसी तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन ERCP। ये भी 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट पूछा हुआ था। ERCP क्या होता है, इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन अगर हम देखें तो ये होता है एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कॉलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एंडोस्कोपी होगी, और कॉलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी से हमें मतलब चल रहा है कि ये बाइल डक्ट या फिर पैनक्रियाटिक डक्ट से रिलेटेड है। तो ये एक डायग्नोस्टिक और इंटरवेंशनल प्रोसीजर है जो कि बाइल रिट्री और पैनक्रियाटिक डक्ट को देखने के लिए करते हैं। इसके अंदर फ्यूज़न होता है एंडोस्कोपी प्लस फ्लोरोस्कोपी का। एंडोस्कोप को हम स्टमक और डुओडेनम के अंदर डालेंगे, और फिर कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट कर देते हैं जो कि बाइलरी ट्रैक्ट और पैनक्रियास को हमें अच्छे से शो करवाएगा रेडियोग्राफ्स के अंदर। तो ये इसका बेसिक होता है, आप ये लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं। इसके अलावा होता है कि ERCP को किस किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, कि हमें जो भी बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट में जो भी कंडीशंस हो रही है उनको देखने के लिए, गॉल स्टोन यानी गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसको देखने के लिए, कोई भी इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर तो नहीं बन गया उसके लिए, लीक तो कहीं से नहीं हो रहा उसके लिए, कैंसर की कंडीशन उसके लिए डायग्नोस्टिक करने के लिए आप ERCP को यूज़ करते हो। बट अब बहुत ज़्यादा सेफ और नॉन इन्वेजिव मेथड का डेवलपमेंट हो चुका है, जैसे कि MRCP। ERCP में आपको देखने को मिल रहा है कि आपको उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम इंजेक्ट करना पड़ेगा, तो कोई सिरिंज भी और कुछ एंडोस्कोप से भी आपको डालने पड़ रहे हैं, तो वो इन्वेसिव मेथड है, ठीक है। और जबकि MRCP जो है वो मैग्नेटिक रेजोनेंस कॉलेंजियोपैनक्रियाटोग्राफी है, ये MRI के थ्रू भी आप इसकी बाइल डक्ट्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स की इमेजेस ले सकते हो। तो आजकल जो है ERCP का यूज़ कम हो गया और MRCP का यूज़ बढ़ गया है। और मेन रिस्क अगर हम देखा जाए कि ERCP क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ERCP में एंडोस्कोप वगैरह से क्या हो रहा है कि पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो जाता है इनकी बार बार में इंजेक्ट करने से, ठीक है। तो अब पैनक्रियाटाइटिस जो है इसका मेन रिस्क है ERCP का, ठीक है। इतना आप ERCP के अंदर लिख के आओगे तो आपको 5 नंबर एग्जामिनर आराम से देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन MR इलास्टोग्राफी। तो अब हमें इसमें ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो भी शॉर्ट नोट है यानी 5 मार्क्स को कंटेन करता है, MR इलास्टोग्राफी इसके अंदर पूछा हुआ है। इलास्टोग्राफी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलास्टोग्राफी, ठीक है। ये हमारे कोर्स में नहीं है, BRT के कोर्स में ये सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बट ये आउट ऑफ कोर्स था, बट आपको फिर भी रेडी रहना है कि कभी भी ये पूछा जा सकता है। एक बार DRT के पेपर में इलास्टोग्राफी पूछा हुआ था, और अब BRT में इसमें MR इलास्टोग्राफी पूछा है। तो इलास्टोग्राफी क्या होती है कि मेडिकल इमेजिंग मॉडलिटी होती है, जो कि हमारे जो सॉफ्ट टिश्यू होती है उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टी को मैप करने के काम आती है। इलास्टिक प्रॉपर्टी यानी कितना इलास्टिसिटी और कितना स्टिफनेस है, कितना कठोर है सॉफ्ट टिश्यू उसके लिए। तो जब हम इसमें मैग्नेटिक रेजोनेंस को यूज़ कर लेते हैं इसको देखने के लिए कि कितना स्टिफ है और कितना इलास्टिक है, तो उसे कह देंगे MRE, मैग्नेटिक रेजोनेंस इलास्टोग्राफी। ये क्या होता है, इलास्टोग्राफी का एक फॉर्म है जिसमें MRI को यूज़ लिया है टू क्वांटिफाई एंड सबसिक्वेंटली मैप द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, टू क्वांटिफाई करने के लिए और उसको मैप करने के लिए। अपने को पता है कि MRI में आप बायोकेमिकल और हर टाइप की उसके अंदर प्रॉपर्टीज आप देख सकते हो, फिजियोलॉजी देख सकते हो, एनाटॉमी देख सकते हो, उसकी बायोकेमिस्ट्री जो उसका बायोकेमिकल कंपाउंड है वो सब चीज़ें देख सकते हो। तो MRI में अपन ये भी देख सकते हैं कि किसी भी सॉफ्ट टिश्यू की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आप अच्छे से देख सकते हो कि उसमें कितनी इलास्टिसिटी और कितनी स्टिफनेस है। इसके अलावा कन्वेंशनल इमेजिंग टेक्निक्स जो थी CT, MRI, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये जो थी सॉफ्ट टिश्यू की इलास्टिक मॉड्यूल्स को देखने के लिए अनेबल थी, ठीक है, पहले। बट इलास्टोग्राफी के आने के बाद में हम उसकी इलास्टिसिटी को देख सकते हैं। MRI एज एन क्वांटिटिव मेथड ऑफ असेसिंग टिश्यू स्टिफनेस प्रोवाइड्स रिलायबल इनसाइट टू विजुलाइज अ वैरायटी ऑफ डिजीज प्रोसेस। मतलब अब जब हम टिश्यू स्टिफनेस को देख लेते हैं तो हम बहुत सारे
बीमारियों को भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनके अंदर टिश्यू स्टिफ हो जाता है या टिश्यू की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है। तो इसकी बेसिस पे अपन इसका सिम्टम की तरह अपन बहुत सारी बीमारियों को देख सकते हैं, जैसे कि लीवर, ब्रेन, हार्ट, पैनक्रियाज, किडनी, स्प्लीन, ब्रेस्ट, यूट्रस, प्रोस्टेट, स्केलेटल मसल्स, इन सब में स्टिफनेस हम देख करके कई बीमारियों को पता कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं MRI में, कि क्या कि एक तो ये नॉन इन्वेसिव मेथड होता है। नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या है कि आपको कोई भी चीज़ को इंजेक्ट नहीं करना पड़ रहा, कोई चीरा फाड़ी नहीं करनी पड़ी, MRI के थ्रू आप इलास्टिसिटी पता कर पा रहे हो। जनरली सेफर होता है, सेफ है, मोर कम्फर्टेबल होगा देन बायोप्सी। अगर आपके पास, आपको कह दिया कि MRI ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऐसी मशीन ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे इसको? टिश्यू के बारे में कैसे पता लगाते हैं? बायोप्सी, क्योंकि टिश्यू को हटाते हैं बॉडी से और फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोप्सी। तो उसके अंदर चीरा फाड़ी होती है, इसके अंदर चीरा फाड़ी नहीं है, तो मोर कम्फर्टेबल है। इसके अलावा ये पूरे इंटायर ऑर्गन को असेस कर सकता है, ऐसा नहीं कि टिश्यू के एक पोर्शन को, जैसे बायोप्सी में सिर्फ टिश्यू के एक पोर्शन को निकाला जाता था, अब उसमें आप पूरे ऑर्गन को असेस कर सकते हो। इसके अलावा ये फाइब्रोसिस जैसी कंडीशन को अर्लियर स्टेज में मालूम कर लेता है, ये उन पीपल्स में भी इफेक्टिव है जो कि मोटे हैं, वो बेस्ट हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को भी ये पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता है, जैसे कि फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है एब्डोमेन में, तो ये पहले ही मतलब देख लेगा कि इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, एसाइट्स की कंडीशन आ रही है। तो ये होता है MRI, और ये उसके कहते हैं एडवांटेज। 5 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना लिखेंगे, ये मोर देन इनफ है, आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा। तो आपको पता चल गया है व्हाट इज MRI और आप उसको कैसे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, राइट ब्रीफली ऑन डुअल सोर्स MDCT स्कैनर, डिस्कस प्रिंसिपल एप्लीकेशन एंड एडवांटेज ओवर सिंगल सोर्स MDCT। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 15 मार्क्स का। अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, मैम व्हाट इज़ MDCT, ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है। बट मैं आपको बता दूं कि मैंने MDCT के बारे में, मल्टी डिटेक्टर CT स्कैनर और डुअल एनर्जी मेटल CT स्कैनर के बारे में, मैं आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज़ वहाँ जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि डुअल सोर्स MDCT क्या होता है, सिंगल सोर्स MDCT क्या होता है, डुअल एनर्जी CT क्या होता है, डुअल सिंगल एनर्जी CT क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा उसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन मैंने सब कुछ लिखा रखा है। कुछ एडवांटेज अगर हम इसका हाँ देखा जाए कि ये जो क्वेश्चन है एडवांटेज ओवर सिंगल सोर्स MDCT की, सिंगल सोर्स के ऊपर क्या एडवांटेज है, तो वो मैंने इसके पॉइंट्स आपको इसमें लिख दिए हैं। टेम्पोरल रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, टेम्पोरल रिजोल्यूशन मतलब टाइम के दौरान की कैसी दिख रही है, तो इसमें अच्छे से दिखेगी डबल सोर्स में। स्पेशल रिजोल्यूशन ज़्यादा होगा, स्कैनिंग रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी, रेडिएशन डोज कम लगेगी, इमेज क्वालिटी इंप्रूव होगी और लेस टाइम कंज्यूम होगा जब दो स्कैनर होंगे, दो डिटेक्टर होंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ कि ये जो पूरा MDCT है और डुअल सोर्स है, मैं जो डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी लिंक, आप उस पर जाइए, देखिए और फिर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ये क्वेश्चन मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में करवाया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये एडवांटेज आप देख सकते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग। ये भी 2018 में ही पूछा हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। 2018 का जो पेपर था बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। तो डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग क्या होती है, ये भी MRI टेक्निक का ही एक पार्ट है। जैसे MRI सिक्वेंसेज मैंने बताए थे, उसी टाइप से डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग भी MRI टेक्निक का ही एक पार्ट है, जो कि एनाटॉमी बताता है नर्व सेल्स की और न्यूरल, जो ब्रेन का न्यूरोनल नेटवर्क है, न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, उसकी एनाटॉमी के बारे में हमें बताता है। DTI टेक्निक सबसे पहले पीटर बेसर ने 1994 में इंट्रोड्यूस की थी। इट इज़ इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ कन्वेंशनल MRI वेयर सिग्नल्स आर सोलली जनरेटेड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। द टर्म डिफ्यूजन डिनोट्स रैंडम थर्मल मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ये इम्प्रूव्ड वर्जन है। पहले वाले वर्जन में क्या हुआ था कि जो सिर्फ प्रोटोन्स के कारण, वाटर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के कारण जो सिग्नल जनरेट हो रहे थे, उसका इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसमें बताया कि जो डिफ्यूजन का मतलब है वो तो है कि वाटर मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन। इसमें बता रहा है कि DTI ने क्या, यूजेस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर एज अ प्रॉब टू डिटरमाइन द एनाटॉमी ऑफ अ ब्रेन नेटवर्क। इसने वाटर के डिफ्यूजन को एज अ प्रॉब यूज़ कर लिया है, जो ताकि ब्रेन नेटवर्क की हम एनाटॉमी को डिटरमाइन कर सकें। इसके अंदर विच बेसिकली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन स्टैटिक एनाटॉमी दैट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रेन फंक्शंस, ठीक है। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ टिश्यू इज नॉट इन सेम इन ऑल डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन होता है, यानी जो मोशन होता है, वो हर डायरेक्शन में सेम नहीं होता है। कि ये टिश्यू है तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि इतना ही इसके अंदर जाएगा, इतना ही हर बार वाटर मॉलिक्यूल का जो डिफ्यूजन होगा वो सब जगह अलग अलग डायरेक्शन में होता है। तो इसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन। सेम नहीं है तो इसे कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक डिफ्यूजन। ये किसके क्यों होता है, टिश्यू हेट्रोजेनिटी के कारण, क्योंकि टिश्यू समान नहीं है इसलिए। तो इस एनाइसोट्रॉपिक को हमने यूज़ कर लिया है DTI में, और हम नर्व सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन हमने देख लिया है कि जहाँ जहाँ जिस हिसाब से डिफ्यूजन हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल का, उसी हिसाब से नर्व सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेन में। तो
इसी तरीके से हमने डिफ्यूजन टेंसर इमेजिंग को यूज़ करके ब्रेन सेल, ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन को पता लगा लिया है कि जिस हिसाब से वाटर का डिफ्यूजन होगा, जैसे जैसे वैसे वैसे ही जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है वैसा ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप ये लिख सकते हो 5 नंबर में DTI में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। ये भी 2018 में ही पूछा गया हुआ है, 5 नंबर का है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन क्या होता है, इसे राइजोटोमी भी कहा जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी, रेडियो वेव्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे कि नर्व टिश्यू को हीट किया जाता है। और जहाँ भी हमें, जहाँ पे भी नर्वस का पेन है, नर्व्स का पेन है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करवा करके उस नर्व के पेन को कम किया जाता है या फिर बंद कर दिया जाता है। तो इसे कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन। ये आपको नॉर्मली पता चल गया कि व्हाट इज़ RF एब्लेशन, बट अगर आपको लिखना होगा तो आप ये पूरा लिखोगे कि इसमें क्या हो रही है, कि ये एक नॉन मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर है जो कि जिसमें यूज़ किया जाता है हीट का, ताकि पेन को कम कर सके। रेडियो वेव के थ्रू आपने इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस किया है जो कि नर्व टिश्यू को हीट कर देगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स एब्लेट और बर्न, इस एब्लेशन का मतलब होता है बर्निंग। तो ये एब्लेट कर देगा, बर्न कर देगा नर्व को जो कि पेन को कोज कर रही है, और उस ट्रांसमिशन, जो पेन का ट्रांसमिशन है, उसको रोक देगा, ब्रेन तक पहुँचने नहीं देगा उसका ट्रांसमिशन। जब नर्व ही बंद हो गई है, नर्व को ही उसने बर्न कर दिया है, तो पेन का ट्रांसमिशन ही नहीं होगा। इस ये प्रोसीजर किस लिए यूज किया जाता है, कोई भी क्रॉनिक पेन, बहुत लंबे समय से पेन चला रहा है, उसको कम करने के लिए, अर्थराइटिस, इस स्पाइन का जो अर्थराइटिस होता है, उस स्पॉन्डोलाइटिस या सैक्रोलाइटिस, स्पाइन का जो इन्फ्लामेशन होता है, अर्थराइटिस होता है, वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, तो उसको कम करने के लिए हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन को यूज़ करने लगे हैं। ये क्या करता है, ये इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट नेक, बैक, नी, पैल्विक, पेरिफेरल नर्व पेन, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। दो इंपॉर्टेंट एडवांटेज है रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट की, कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी करंट क्यों यूज़ करिए, कि एक तो ये स्टिमुलेट कोई भी नर्व और हार्ट मसल्स को स्टिमुलेट नहीं करेगा, डायरेक्टली स्टिमुलेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें लो फ्रिक्वेंसी की करंट है, लो फ्रिक्वेंसी AC है, ठीक है। इसके अलावा इसको हम जब स्टिमुलेट नहीं कर रहा है, तो इसको हम बिना जनरल एनेस्थीसिया के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा है कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं डिजायर टिश्यू के लिए, जिस जगह आपको नर्व सेल्स को हटाना है वहीं पर ये ट्रीटमेंट करेंगे, विदाउट सिग्निफिकेंट कोलेटरल डैमेज, कोई भी डैमेज नहीं करते हैं आपस में, ठीक है। इसके अलावा इसका यूज़ क्या, बेनिफिट्स क्या होंगे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की, कि इसमें सर्जरी अवॉइड कर सकते हो, कि बहुत ज़्यादा पेन है तो अपनी सर्जरी के बिना ही आपने पेन को कम कर लिया है, इमीडिएट पेन रिलीफ मिल रहा है, कि पेन बहुत अच्छे से रिलीफ होगा, लिटिल टू नो रिकवरी टाइम, जो रिकवरी टाइम था वो कम हो जाएगा, डिक्रीज नीड फॉर पेन, नो नीड फॉर पेन मेडिकेशन की, जो आप दर्द की दवाएं ले रहे थे वो कम हो, वो उसकी इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, फंक्शंस इंप्रूव हो जाएंगे और आप अच्छे से जल्दी से वर्क पर जा सकोगे और अदर एक्टिविटीज़ को कर सकोगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के। तो बेसिकली अब यही होता है कि रेडियो वेव्स का यूज़ किया है हीट करने के लिए नर्व्स को, जिससे कि आपको दर्द में राहत मिले। बस आपको ये सब चीज़ें जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये आपको लिखना है एग्ज़ाम के अंदर, मतलब आप लोग समझ चुके हो, ये 5 नंबर का इनफ होता है। जैसे ये इसका एग्जांपल के थ्रू बताया है कि मान लीजिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है लंबर में या सैक्रम के आसपास में, तो आपने इलेक्ट्रोड्स के थ्रू ये दिया है और यहाँ पे आपने नर्व को हीट करवाया है, ठीक है। नर्व को हीट करवाई, रेड दिख रहे हो ना, तो यहाँ से आपको दर्द में राहत मिलेगी। तो इसे कहते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर। आपको पता है कि बहुत सारे स्पेशल रेडियोग्राफिक प्रोसीजर्स होते हैं जिनमें हमें कॉन्ट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट करना होता है, ठीक है। अब बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में, जैसा कि अगर हम एंजियोग्राफी देखें, तो आपको पता है कि कुछ माइक्रोसेकंड्स के बाद में जब हार्ट का डायलेशन होने लगता है, तभी आपको कॉन्ट्रास्ट मीडियम को इंजेक्ट कराना होता है, ठीक है। तो उस कंडीशंस में आप हाथ से उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, परफॉर्मिंग दिस इंजेक्शन बाय हैंड, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उसकी फ्लो रेट को कंसिस्टेंट रखने के लिए। आपको नहीं पता होगा कि आप हाथ से दे रहे हो, तो आप उसी फ्लो रेट से, यानी उतनी ही पर रेट, रेट का मतलब क्या हुआ कि 10 ml पर सेकेंड ही दे रहे हो या 2 ml पर सेकेंड दे रहे हो, आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो उसको, उस कंसिस्टेंट फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए आप उसको हाथ से नहीं दे सकते। उसके अलावा डायलेशन भी आप सफिशियंट नहीं कर सकते कॉन्ट्रास्ट एजेंट का, ठीक है। इसलिए इन सब चीज़ों को एक मैकेनिकल डिवाइस से परफॉर्म करना होता है, ताकि जो फ्लो रेट है वो कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। तो मतलब 10 ml पर सेकेंड लगनी, तो 10 ml पर सेकेंड ही लगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंट फ्लो रेट के लिए आपने मैकेनिकल डिवाइस यूज़ करी है, जिन्हें अपन प्रेशर इंजेक्टर कहते हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर कहते हैं। इन ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कंट्रोल पैनल, सिरिंज, हीटिंग डिवाइस, हाई प्रेशर मैकेनिज्म। तो इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है ये इस टाइप की डिवाइसेस होती है, ये सारे जो है ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर है, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट मीडियम को भर देते हैं और इन सीरीज के थ्रू आप पेशेंट को यहाँ से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है।
तो यहाँ से आपको जो भी कॉन्ट्रास्ट मीडियम है वो अपने आप इंजेक्ट होता है। अगर हम देखें जैसे पहले तो होता है कंट्रोल पैनल होता है। कंट्रोल पैनल में क्या होता है कि हर ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइस में होता है, यहाँ पे आप इनकी रेट डिफाइन करते हो कि इस फ्लो रेट पर यानी 4 ml/s जाना है, तो आप इसको पहले यहाँ पे डिसाइड कर दोगे, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो इंजेक्ट करेगा। तो इंजेक्शन सिक्वेंस के पैरामीटर सेट करने के लिए हर ऑटोमेटिक इंजेक्शन डिवाइस के साथ एक कंट्रोल पैनल पाया जाएगा। नेक्स्ट होता है सिरिंज। इसमें सिरिंज होती है, सबकी अलग अलग सिरिंज होगी, हर कंपनी की अलग अलग वैरायटी होती है साइजेस की, और ये कहाँ से कहाँ तक 60 ml से 200 ml तक की हो सकती है। साइजेस 125 ml 130 इन सब में अवेलेबल होती है। हीटिंग डिवाइस जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम को हीट करते मतलब मेंटेन करती है बॉडी टेम्परेचर पे, कि मतलब बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही उसका कॉन्ट्रास्ट मीडियम का भी टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा कम हो जाएगा तो उसकी विस्कोसिटी में फ़र्क पड़ेगा, विस्कोसिटी यानी शांतता में फ़र्क पड़ेगा, तो हमारी बॉडी पे भी फ़र्क पड़ेगा। तो एक हीटिंग डिवाइस होती है जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होगी, इंजेक्टर हेड पे, सिरिंज के क्लोज प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा होता है इंजेक्टर पावर हेड, ये जो होता है आर्टिकुलेटिंग होता है, आर्टिकुलेटिंग आर्म में होता है कि मतलब उसको आप उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया भर के रख सकते हैं जिससे कि सिरिंज के थ्रू जाएगा। फिर हाई प्रेशर मैकेनिज्म होती है, किसमें एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल ड्राइव मोटर होती है, जो कि पिस्टन, इसका जो हाई प्रेशर मैकेनिज्म क्या होता है कि एक पिस्टन होता है उसके ऊपर इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम होता है कि इसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया तो ये सिरिंज पे, इसमें आपने जब इलेक्ट्रिकल डिवाइस मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल सिस्टम है यानी इसमें जब आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जब आपने उसको ऑन किया, ठीक है, तो मैकेनिकल के थ्रू इसमें पिस्टन, मैकेनिकल का मतलब क्या है, प्रेशर लगेगा पिस्टन के ऊपर, प्रेशर लगेगा तो सिरिंज इन और आउट होती है, तो ये हाई प्रेशर मैकेनिज्म होता है। तो ये सब चीज़ें होती है ऑटोमेटिक प्रेशर इंजेक्टर में। तो आपको ये सब चीज़ें कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है, प्लस क्या होता है ये भी ध्यान में रखना है, क्या क्यों नीड है इसकी ये भी ध्यान में रखना है कंसिस्टेंट फ्लो रेट के लिए। तो ये 5 नंबर आप इसमें आराम से पा जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है राइट छोट नोड और 3D और 4D USG, ये 2019 में रिसेंट पूछा हुआ है और 5 नंबर का मार्क्स था इसका, ठीक है। इसमें क्या है 3D और 4D USG मैंने आपको टोटली पढ़ा रखी है मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 3D और 4D, ये रिसेंट अभी जो पिछले साल ही पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, इसमें क्या 3D अल्ट्रासाउंड है। तो 3D और 4D अल्ट्रासाउंड क्या होता है, 3D अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या है, 2D का तो मतलब क्या हो गया आपको अच्छे से इमेज दिख रही है, ठीक है, फंक्शन दिख रहे हैं, लेकिन 3D में आपको वॉल्यूम बेस दिख रहा है यानी 3D इमेज दिख रही है। इसी तरीके से 4D में क्या होगा, 3D में तो सिर्फ स्ट्रक्चर और इंटरनल एनाटॉमी दिख रही है, स्टैटिक 3D इमेज दिख रही है, पूरे 3D दिख रही है बट स्टैटिक दिख रही है। 4D में उसके अंदर मोशन हो जाएगा, आपको लगेगा कि लाइव वीडियो चल रहा है तो मोशन हो जाएगा। तो 3D इमेज में प्लस मोशन अगर कर दें तो वो 4D अल्ट्रासाउंड बता सकता है, ठीक है। तो ये होता है 3D और 4D, आप इसमें लिख लीजिएगा ये सब चीज़ें। प्लस अगर हम एडवांटेज देखें तो शॉर्टर टाइम होता है, आप अच्छे से जल्दी से स्क्रीनिंग कर सकते हो, वॉल्यूम डाटा स्टोरेज होता है ताकि स्क्रीनिंग एक्सपर्ट रिव्यू सब चीज़ों के लिए वॉल्यूम डाटा पूरा का पूरा डाटा स्टोर कर सकते हो, और मोर एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन दे सकते हो फीटल एनोमलीज़ के लिए। 3D और 4D जो अल्ट्रासाउंड है मेनली हम फीटल के लिए करते हैं, तो फीटल एनोमलीज़ को अपन अच्छे से देख सकते हैं। जब 3D व्यू दिख रहा है और आपको मोशन भी दिख रहा है तो आप उसकी जितनी भी कोई भी अगर उसके अंदर एबनॉर्मलिटी है तो वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा डिसएडवांटेज क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है और प्लस ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है 3D और 4D अल्ट्रासाउंड, ठीक है। तो ये होता है 3D और 4D अल्ट्रासाउंड के अंदर। तो शायद मैंने सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे BRT पेपर्स के प्रीवियस एग्जाम्स के ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको नहीं समझ में आए वो मैंने कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर आपको और भी कुछ ऐसे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं जिसमें आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल है रेडिएशन टेक्नोलॉजी, उस पर भी आप मुझे डायरेक्ट DM करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जा करके भी मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को इस वीडियो की अगर आपको PPT या PDF चाहिए तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं बहुत सारे नोट्स वगैरह डालती रहती हूँ हर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपको किसी भी राजस्थान में किसी सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए अगर आपको साइंस देखनी है, साइंस समझनी है, तो एक चैनल है साइंस फॉर ऑल विद दिलीप सिंह शेखावत, आप उस पर जाकर के जुड़ सकते हैं और आप वहाँ पर आपको बहुत से अच्छे से साइंस को पढ़ सकते हैं हर कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम को लेकर, जैसे कि SSC हो गया, RS, RPSC, जितने भी हमारे राजस्थान में कॉम्पिटिशन एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, रेलवे वगैरह, उन सब की आपको साइंस के नोट्स, आपको साइंस का वीडियो अच्छे से आपको मिल जाएगा। प्लस जो DMLT करें लैब टेक्नीशियन के जो कोर्स हैं डिप्लोमा और डिग्री के लिए, उसके लिए भी 2 चैनल यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं यूट्यूब पे, पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट और बी अ लैब साइंटिस्ट।
इन तीनों वीडियोस के, इन तीनों चैनल्स की लिंक जो है मैं मेरी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, साइंस फॉर ऑल विद दिलीप सिंह शेखावत भी, पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट और बी ए लैब साइंटिस्ट, इन तीनों का भी टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर ये अपने नोट्स कंटिन्यू डालते रहते हैं, वो भी मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आप इसको जितना ज़्यादा शेयर हो आप उसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स को जिनके एग्ज़ाम्स हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।